हेलो फ्रेंड मैं एस प्रजापति एस एम नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और फ्रेंड अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधित बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आज हम आपको बताएँगे कि कैसे साट ट्रिक्स की सहायता से इस तरह के क्वेश्चनों को आप 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे जैसे देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ मैट्रिक्स इक्वल टू तो वन थ्री टू माइनस वन फाइंड एड ज्वाइंट आप है यहाँ पर मैट्रिक्स का एट ज्वाइंट निकालना है इनवर्स निकालना है तो किस तरह से इन क्वेश्चनों का आंसर 10 सेकेंड के अंदर आप निकाल लेंगे तो देखेंगे यहां पर जो मेथड है पहले आप मेथड समझिए देखेंगे सपोज कर लीजिए यहां पर कोई मैट्रिक्स ए है इस तरह से ए बी सी डी मान लिया यहां पर ये यह कोई मैट्रिक्स है अब इसका एडजोइंट निकालना हो या ए इनवर्स निकालना हो मेथड समझिए पहले देखिए यहां से लेफ्ट हैंड अपर कार्नर टू राइट हैंड लोअर कार्नर इसको बोलते हैं मेन डाइगोनल यह क्या होता है ऐसे जो ये डाइगोनल आप देख रहे हैं ये विकर्ण जो देख रहे हैं इसको मेन डाइगोनल मेन डाइगोनल या मुख्य विकार कहते हैं इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं मेन डाइगोनल तो यहां पर जब भी एडज्वाइंट निकालना हो या इनवर्स निकालना हो यहाँ पर करेंगे क्या मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपस में चेंज कर देंगे और आफ डायगोनल का एलिमेंट का चिन्ह साइन चेंज कर देंगे जैसे देखेंगे अगर इसका एडजॉइंट लिखना हो अगर एडज्वाइंट आप ए लिखना हो तो यहाँ पर करेंगे क्या मेन डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर देंगे मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपस में चेंज करेंगे यानी यहाँ पर हो जाएगा डी और यहाँ पर ये यह हो जाएगा और ये जो दूसरा डायगोनल बचता है इसको हम लोग ऑफ डायगोनल बोल सकते हैं तो जो दूसरा डायगोनल है इसके एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए यानी सी है तो यहाँ पर माइनस सी लगा दीजिए यहाँ पर माइनस बी लगा दीजिए इस तरह से यह क्या बन जाता है एडज्वाइंट बन जाता है अब अगर इसी में इनवर्स निकालना है इनवर्स फाइंड करना है तो यहां पर इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से इस एडवाइंट को डिवाइड कर दीजिएगा इनवर्स प्राप्त हो जाता है तो करना क्या है यहां पर देखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एड ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ही यह इनवर्स दे देता है इसी ट्रिक की सहायता से इन क्वेश्चनों को 10 सेकेंड के अंदर हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसा पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है क्या दिया हुआ है वन थ्री टू माइनस वन इस तरह से दिया हुआ है अब इसका एडजॉइंट पूछ रहा है कह रहा है कि इसका एडज्वाइंट क्या होगा तो आप बहुत ही शीघ्रता के साथ इसका एडजॉइंट लिखेंगे देखेंगे इस तरह से एड ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपस में चेंज करिएगा मेन डायगोनल एलिमेंट देखेंगे ये है वन माइनस वन इसको आपस में चेंज कर लीजिएगा और जो ऑफ डायगोनल है इसका आप साइन चेंज कर लीजिए अर्थात चिन्ह बदल दीजिए इस तरह से यह एड ज्वाइंट आ गया आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू का सोलूशन क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू जीरो माइनस वन वन माइनस वन देन फाइंड एड ज्वाइंट ऑफ ही यहां पर आपको एड निकालना है तो देखेंगे किस तरह से एड निकालेंगे तो सोल्यूशन ऑफ टू गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू जीरो माइनस वन वन माइनस वन इस तरह से दिया हुआ है इसका एड लिखना है एड लिखने के लिए आप करेंगे क्या मेन डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करेंगे और आठ डायगोनल के एलिमेंट को उसका चिन्ह बदल कर लिख देंगे तो देखेंगे इसके एलिमेंट मेन डायगोनल यह है लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड लोअर कॉर्नर मेन डायगोनल के एलिमेंट को जब चेंज करेंगे माइनस वन जीरो हो जाएगा और इसके बाद इस डायगोनल के एलिमेंट का साइन केवल चेंज करना है प्लस वन से माइनस हो जाएगा माइनस से प्लस वन हो जाएगा इस तरह से यह आ जाएगा एड ज्वाइंट ऑफ ए एड ज्वाइंट ऑफ ए यह आ गया अब आती है क्वेश्चन नंबर थ्री पर क्वेश्चन नंबर थ्री में मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह दिया इसका इनवर्स फाइंड कीजिए तो देखेंगे इनवर्स किस तरह से फाइंड करेंगे गिवहन मैट्रिक्स सोलूशन ऑफ थ्री एक्वल टू यहां पर दिया हुआ है टू थ्री माइनस वन टू तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप तुरंत लिख डालिए इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा देखेंगे दो दूना चार यहां फोर हो जाएगा और तीन एकम एक तीन माइनस या प्लस थ्री हो जाएगा यानी आएगा सेवन इसका इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वह आएगा सेवन और उसके बाद इसका एडजोइंट लिखिए और एडजोइंट में ही सेवन से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है तो यहां पर देखेंगे देयर फॉर ए इनवर्स ए इनवर्स देखिए क्या आ जाएगा यहां पर मेन डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर दीजिए तो यहां पर देखेंगे टू तो टू चेंज होगा वहीं रहेगा आप डायगोनल का चिन्ह बदल दीजिए यहां पर माइनस थ्री और यहां पर माइनस वन है तो यहां पर यह वन हो जाएगा अब उसके बाद सेवन से डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे इस तरह से अपान सेवन अपान सेवन अपान सेवन और यह टू अपान सेवन इस तरह से यह आ गया ए इनवर्स अब आती है क्वेश्चन नंबर फोर पर तो सोल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर फोर इसमें भी कह रहा है फाइंड ए इनवर्स यहां पर जरा देखें सोलूशन ऑफ फोर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है फाइव सिक्स फाइव फाइव इस तरह से तो इसका भी सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे डिटर्मिनेट यहाँ पर ट्वेंटी फाइव देखेंगे इस तरह से ट्वेंटी फाइव आएगा और माइनस यहाँ पर थर्टी हो जाएगा और इस तरह से यह आएगा माइनस फाइव अब इसके बाद इसका इनवर्स लिखना है तो इनवर्स इक्वल टू लिख लेंगे देखेंगे मेन डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करिएगा तो फाइव फाइव से चेंज होगा तो वहीं आएगा आप डायगोनल का साइन चेंज कर लीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह से आएगा अब उसके बाद माइनस फाइव से डिवाइड कर देना है तो देखेंगे इतने में माइनस फाइव से यहाँ डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर भी माइनस फाइव से डिवाइड करिए कर यहाँ पर भी माइनस फाइव से डिवाइड करिए और यहाँ पर भी तो माइनस फाइव से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है माइनस फाइव और जो ही डिवाइड करेंगे आगे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस वन और यहाँ पर सिक्स बाई फाइव और यहाँ पर वन आएगा और यहाँ पर आएगा माइनस वन इस तरह से यह आ गया एनवर्स तो इस ट्रिक की सहायता से इस तरह की प्रॉब्लम को आप बड़ी ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर आप यह ध्यान रखिएगा कि यह ट्रिक यह मेथड केवल आर्डर टू के मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होगा अर्थात ऐसा मैट्रिक्स जो कि आर्डर टू का स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऐसे मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स निकालने के लिए ही इस मेथड का आप प्रयोग करेंगे ऑर्डर थ्री और आर्डर फोर पर इस मेथड का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है